तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप किसी भी वीडियो में इजिली कुछ ही मिनटों में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। गाइज आप इजिली इसे कर सकते हैं काइन मास्टर की मदद से। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको जो भी रेशियो सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करके मीडिया के ऑप्शन में जाके आपको जिस वीडियो में भी कलर ग्रेडिंग करनी है उसके जाके गाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे हमने देखिए एक वीडियो को सेलेक्ट कर लिया जिसमें गाइज आप कलर इसका देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गाइज नाइट मोड में यानी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा टाइप का ये इस वीडियो में। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले हमें आपको प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले किसी भी पार्ट को यहाँ से गाइज हम ट्रिम कर लेंगे। गाइज हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे गाइज जब हम कलर ग्रेडिंग कर सके तो उसके बाद आपको इफेक्ट पता चल सके गाइज आपको क्या दिखा है। तो सबसे पहले आपको फिल्टर सेलेक्ट कर लेना गाइज। तो इसमें आप कोल्ड में जाके गाइज आप जो मन करे इसमें से आप जो भी आपकी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाइज C6 और इसकी आपको थोड़ी सी गाइज ओपेसिटी देख सकते हैं कम रखनी है क्योंकि गाइज अगर आप पूरा कर देंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी रोशनी आ चुकी है हमारी वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें हमें रिजल्ट देख रहा है। फिर गाइज उसके बाद आपको अपना काइन मास्टर अगर आपका अपडेट है तो उसमें आपको सभी एडजस्टमेंट के फीचर मिल जाएंगे। तो इसमें गाइज हमें सबसे पहला है ब्राइटनेस का। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी है वीडियो में, ज़्यादा भी गाइज आपको नहीं बढ़ानी वरना ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी तो गाइज आपको अच्छी वीडियो नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट फुल कर देना है जिससे गाइज आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सैचुरेशन भी दिख रहा है, सैचुरेशन भी गाइज आपको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइज इनको एडजस्टमेंट करने में, तो आप आराम आराम से कीजिएगा, एक साथ मत कर दीजिए गाइज। यहाँ पे दोस्तों आपको अगला ऑप्शन मिल जाएगा वाइब्रेंस का। तो गाइज यहाँ पे आप वाइब्रेंस भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको आप ज़्यादा मत करिएगा, इसको गाइज आप 20 के आसपास रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर पे गाइज आप थोड़ी सी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं जिससे गाइज आपके वीडियो में थोड़ा टेम्परेचर अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप फुल कर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लूइश दिखने लगेगा, बट गाइज इससे ज़्यादा नहीं, आपको 32 या 33 के आसपास आपको रखना है जिससे गाइज आपके अच्छी वीडियो में अच्छा इफेक्ट आता है। गाइज यहाँ पे मैंने इसे 11 रख लिया है। गाइज 11 में हमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम 11, आपको अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में मिलता है हाईलाइट्स का, इसे भी हमें फुल नहीं करना है गाइज, इसको हमें 18 अप्रॉक्स 15 से 20 के बीच में रख सकते हैं गाइज, या फिर उससे आप कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे 2 पे गाइज अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे हम 2, 3, 4 जितना गाइज आपकी वीडियो में आपको अच्छा लगे उतना आप रख सकते हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट ऑप्शन में मिलता है शैडोज का। अगर आप इसे फुल करते तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, बट गाइज आपको हर एक चीज़ पूरी नहीं बढ़ानी है गाइज, अगर आप पूरी बढ़ा देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसको भी आपको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज अगला ऑप्शन है गेन, इसमें भी गाइज आप देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा वाइट हो जाएगा, बट गाइज ये भी आपको फुल नहीं रखना है, इसको भी आप अपनी मर्जी से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें गाइज आपको डिक्रीज भी करने का ऑप्शन मिलता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गाइज बढ़ा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे 2 या 3 पर रख लिया, तो आप जहाँ पे चाहे रख सकते हैं। और गाइज एक खास बात, अगर आपके पास काइन मास्टर अपडेटेड नहीं है तो ये सभी फीचर्स आपको एडजस्टमेंट के अंदर देखने को इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइज ये अपडेटेड काइन मास्टर में सभी जो न्यू फीचर्स आए हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो प्लीज़ गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने काइन मास्टर को अपडेट जरूर कर लीजिएगा, तभी ये सभी ऑप्शन आपको दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है गैमा का, इसमें गाइज आप देख सकते हैं अगर आप गैमा को फुल इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे पूरा अंधेरा टाइप का हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी फोकस रहेगा, बट गाइज इसे भी आपको हल्का सा बढ़ा देना है। तो गाइज इसे आप मैक्सिमम 8 या 9 तक रख सकते हैं, इसी में आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद गाइज ऑप्शन है लिफ्ट का, लिफ्ट भी गाइज आप हल्के से इंक्रीज कर सकते हैं तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा वीडियो में, तो गाइज देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है देखने में, तो इसको हम यहाँ पे इतना रख लेंगे। उसके बाद गाइज अगर इसे आप फुल कर देते तो आप देख सकते हैं पूरा नाइट हो जाएगा और आपके ऑब्जेक्ट पे या फिर गाइज किसी की भी स्क्रीन रहेगी उसमें आपको गाइज रेड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा और आपके हेयर पे भी इसमें कलर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज इसमें आपको जो लास्ट ऑप्शन मिलता है वो ह्यू का मिलता है। ह्यू से गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे बैकग्राउंड का कलर गाइज रेड हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट गाइज इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपका मेन ऑब्जेक्ट है इसमें गाइज हमारी एक गर्ल है, इसमें आपको फोकस इसमें इसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो इसमें ह्यू भी आपको गाइज अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो इसको गाइज आप 0 या फिर 14 इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, या फिर माइनस में भी करेंगे तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर का पूरा हो जाएगा, तो इसको गाइज आप माइनस में रख लेते हैं या फिर आपकी मर्जी, अगर आप प्लस में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं इसे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि एडिटिंग होने के बाद कैसी लग रही है। फिर गाइज अब चलिए अब बैक आपको करके दिखाते हैं कि आपने गाइज पीछे हमने वीडियो में क्या देखा था और अब आपको आगे देखने को क्या मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कितना अंधेरा टाइप का था, पर गाइज यहाँ पे आप देख आपकी गाइज वीडियो में कितने अच्छे कलर्स आ चुके हैं और गाइज ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और अच्छा लग रहा है।
तो गाइज पहले आप देख सकते हैं वीडियो ऐसी थी, अब ऐसी चेंज हो चुकी है। तो आप भी गाइज इसको इजिली कर सकते हैं, इसको करना काफी ज्यादा आसान है गाइज। बस आपको एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे करना है, एक साथ गाइज आपको नहीं बढ़ा देना है। वहीं गाइज इसमें हमें आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगा के दिखा देते हैं कि गाइज जब इसमें चेंज हो तो कुछ ऐसा रहे। तो गाइज इसमें हम एक्सेलरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर गाइज आपको जो भी पसंद है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन ये भी गाइज काफी ज्यादा अच्छा, और यहाँ पे आपको ग्लिच भी काफी अच्छा है, ट्रांजिशन इफेक्ट है तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने से ये होगा कि अगर आप वीडियो कहीं आगे से कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर पूरी कलर ग्रेडिंग नहीं करना चाहते और गाइस ग्लिच इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी जब वीडियो कलर ग्रेडिंग में आएगी तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। गाइस उसके बाद आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो गाइस इससे आपकी वीडियो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।